भाई साहब इतना ही खा ले सब हो जाएगा भाई। जय श्री राम दोस्तों, एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में भाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जैसे कि लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था भाई, मॉर्निंग में उठ गया हूँ और वर्कआउट के लिए निकला हूँ। पानी वानी पी के फ्रेश अप होके निकले हैं भाई अभी, और जिम का हमारा सारा सामान भाई रेडी है। आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि मैं जिम जा रहा हूँ तो भाई अच्छे से मेहनत करके आऊँ और फिर पूरे दिन भाई डाइट वाइट का कंट्रोल रखूँ। बस ये सिंपल से फंडे हैं, इसके अलावा भाई आपको कुछ नहीं करना रिजल्ट निकालने के लिए। अब देखते हैं भाई रिजल्ट आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का दिन। जय श्री राम भाई। ये है वो रात वाला सेटअप, ठीक है, जो और इसे बोलते हैं भाई माता पूजते हैं, कोई हमारे में भी होता है ये शायद, कि अर्ली मॉर्निंग किया जाता है, इसलिए भाई इन लोगों ने रात को ही वो सेटअप सा कर दिया था अपना। Meanwhile, got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. भाई जिम हो गया हमारा और ये मैंने मंगवाए थे भाई गोल्डी भाई से स्टेपर अपने घर के लिए। तो भाई ये स्टेपर मैंने मंगवाया है घर पे वर्कआउट के लिए, मम्मी पापा भी भाई थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं घर पे, तो ये भी काम आ जाएगा घर पे। और ये है कि भाई अपने पास एक्सेसरीज वगैरह होनी चाहिए, जैसे रस्सा वगैरह है, मैट है, ये सारी चीज़ें घर पर होनी चाहिए, किसी के भी काम आ जाती है। और कोशिश करूँगा थोड़े टाइम में भाई ट्रेडमिल वगैरह भी ले लूँ ताकि वो भी काम आ जाए। तो चलिए भाई स्टेपर लेके मैं चलते हैं घर पे, वर्कआउट हो गया बहुत बढ़िया। फ्रूट वगैरह भी ले लेते हैं आज मॉर्निंग के लिए। लो भाई आज तीन ने डायग्राम बना दिए। अब दोनों को पीटूंगा, डंडे से पीटूंगा दोनों को। अभी आया, चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। ये तो भाई लड़ रहे हैं आज, पीटने पड़ेंगे ये बालक। आपके कहने से मैं रनिंग करने गया हूँ और आज जिम भी करके आया हूँ। तूने वो सनक ले क्यों मारे तेने उसके? नहीं मेरे को कोर्ट में जाना है, तेरी पिटाई करूंगा मैं, इधर देख ऊपर पिटाई करूंगा तेरी। आसरा है A few moments later. क्या गेस करो क्या है ये? वीडियो गेम। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। यहाँ पे अंदर रख दो करके, इधर चलो चलो चलो। 2000 years later. तो भाई आज की है पहली डाइट पनीर सैंडविच, ये खाते हैं जल्दी फिर निकलते हैं कोर्ट। तो भाई चल पड़े हम कोर्ट में, टीका भी आज लगा लिया अपना, शाम का तो लग जाता भाई, सुबह का टीका मैं भूल जाता हूँ ना, जब जब याद आ जाता है तब तब कोशिश रहती है कि भाई लगा लूँ और भूल जाता हूँ, तो भाई भूल चुका, माफ है, छोटा बच्चा हूँ मैं अभी। सारी सारी गलती हो गई। तो चलिए भाई एक बहुत अच्छे दिन की शुरुआत चल रही है अपनी और उसी को कंटिन्यू रखते हुए चलते हैं कोर्ट में। अपना ये वाला काम भी भाई अच्छे से पूरा करना है, बाकी काम तो अपने चल ही रहे हैं। अच्छा वर्कआउट, अच्छा खाना और अब भाई अपना कर्म आ गया है, तो कर्म करने चलते हैं। टन टन टन। Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few deaths. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined. So guys, पहुंच गए कोर्ट में। गाड़ी करती पार्क। You're having a lunch. चलिए guys. भाई काफी दिनों में आए। पूरा white wash वगैरह करा दिया भाई कोर्ट में। Paint paint हो गया।
सो भाई बहुत ही टायरिंग डे के बाद अब हम आ गए हैं घर पे, चेंज वेंज करके। भाई मैं वैसे खाऊंगा कुछ फ्रूट्स वगैरह, तो थोड़ी देर में खाऊंगा फ्रूट्स वगैरह रेस्ट करने के बाद। डाइट भी तो अप टू डेट रखनी है। मीनवाइल भाई यहाँ हो रहा है बच्चों का खाना रेडी, और ये हो गए हैं भाई हमारी एप्पल और ग्रेप्स रेडी, तो ये खाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे भाई अपने मंदिर वगैरह के लिए, जब तक ये हजम हो जाएंगे। इस पर कोई नमक मसाला कुछ नहीं, मैं प्लेन ही खा लूंगा। बच्चों भाई क्या देख रहे हो तुम? क्या देख रहे हो? ये भी आ गया भाई शूज देखने। तू आ जा, कौन कौन से पसंद आपको जल्दी बताओ। गिराना मत इसको, पिटाई कर दूंगा नहीं तो। ये बताओ भाई शूज कौन से अच्छे हैं? ठीक है ठीक है, मतलब कुछ भी। अनुज चाचा आपके पास इतना सूझा, आप इनको बेच के नहीं देते पैसा लेंगे। वाह भाई, इनको खिलाना था एक गेम, उस गेम का नाम था जो स्पून एंड लेमन होता है। स्पून तो हमारे पास है, बट हमारे पास क्या नहीं है? लेमन। तो भाई लेमन लेके आएंगे और कल इनको गेम खिलाएंगे, ठीक है? कल बट आज लेमन नहीं है ना बेटा, कल खेलेंगे। और भाई बच्चों के साथ हम और कौन सा गेम खेल सकते हैं आप प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है? तो आप लोग बताइए भाई कौन सा गेम बच्चों के साथ खेल सकते हैं ना भाई, है ना? A few moments later. भाई आज हम चल रहे हैं अपने रूटीन से थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हमें जाना है फिर शाम को एक शादी में, और हमारा एक प्यारा मित्र है भाई मेरा, तो वो भी आ रहा है भाई आज। वैसे दिल्ली रहता है बट सोनीपत से ही बिलोंग करता है, तो क्या कुछ है, कैसा मेरा दोस्त है, कौन है, वो आपको थोड़ी देर में मिलवाएंगे। अभी एक मंदिर हुआ हैं, दूसरे मंदिर में अभी हम जा रहे हैं, तो मिलते हैं भाई थोड़ी देर में। Meanwhile, मैंने डिसाइड किया था कि पूरे दिन में अगर मीठा कुछ जाएगा बॉडी में तो वो होगा बस प्रसाद। पंडित जी डेली भाई मिश्री देते थे और दो चार छः पीस ऐसे होता था, और आज देख लो भाई क्या मिला हमें प्रसाद में। पंचो कह रहा प्रसाद इज गुड। और भाई दूसरे मंदिर से हमें मिला था ये संतरा और केला, इस मंदिर से हमें दोनों को मिला लड्डू, जो कि ये तो खा ही गया लड्डू, लड्डू ही कह दे। हमारे दिन में है भाई एक हमारा भाई लड्डू, उसका नाम है पेट नेम लड्डू उर्फ मोंटी सरवा। तो चलो भाई घर पे बांट के खाएंगे, प्रसाद बांट के खाना चाहिए। 2000 years later. Meanwhile, यही है वो लोंडा। हेलो लोंडे, हेलो भाई, यही है वो लोंडा जिसको घर वाले कहते हैं इसके साथ रहा कर, औरों के साथ मत रहा कर। बट भाई अभी रहता है दिल्ली और आ जाएगा हुआ था सोनीपत, अभी तीन चार दिन ही हमारे साथ ही है। इसका नाम है भाई श्री श्री भारत, ये है भाई हमारा भारत खत्री। काफ़ी लोग हमारे फ्रेंड्स जानते भी हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। भारत बाइसेप्स प्लीज। देख लो भाई सुतरा चोरा है, सॉरी भी देखा ही तही कुरस्ता हो तो बता दियो पतन तही डीजे। चल पड़ो अगर मैं शहर तो मैं तो चला जाता भाई, फिर गेट पे रोक लेते हमने। गाय भी है ना, फैन ऐसे ना घेर लेते हैं मेरे को, कहाँ से लगवाए कितने के लगवाए, बाबा की दया लड़ ले यार, पैसा है तो लंबी लंबी बात है। तो भाई अब जिम में हो गया आज, बढ़िया वर्कआउट आज भाई, शोल्डर में भी पेन नहीं हुआ, बाबा की दया है, मतलब भगवान जी की दया से आज भाई
पेन नहीं हुआ शोल्डर में और अच्छा बढ़िया अभी वर्कआउट हुआ। और भाई भारत भाई मेरा ना सच्ची में यहाँ मतलब जिगरी दोस्त है और बहुत बढ़िया लड़का है भाई। काफ़ी टाइम बाद भाई भारत के साथ वर्कआउट किया। बट सीन ऐसा था कि भाई जब मैंने जिम वगैरह शुरू किया था ना तब से हम दोस्त हैं, तब से हम साथ हैं और बहुत क्लोज वाली बातचीत है। तो भारत भी भाई गया वर्कआउट करके, अब हम जा रहे हैं घर पे, घर से रेडी होके फिर हम निकलेंगे शादी के लिए। अभी मजा आएगा ना, वंशु भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, अंकुश भी जाएगा, गुल्ली भी अभी जाएंगे और सबको भाई मैं ही लेके चलूंगा अपनी गाड़ी से ही। तो रेडी हो गए जल्दी, पहले बच्चों का खाना वाना भी डाल जाएंगे, वापस आके फिर उसको दे देंगे। सो भाई मैं रेडी, अंशु भी रेडी, बच्चों का बस भाई वेट हो रहा है। जैसे ही भाई अभी खाना खा लेंगे उसके बाद हम भी निकलते हैं। ये भाई नई ड्रेस, ये आ गए भाई हमारे गोल्डी भाई साहब, गोल्डी पंडित। तो अब चलते हैं शादी में। 2000 years later भाई सब तो बड़ी दिक्कत थी आज, आज डाइटिंग का था पहला दिन, पर भाई साहब रहे साथ में, डाइटिंग टूट नहीं रही भाई साहब ने, देख लो। ये है भाई हमारा डिनर, यही होता है भाई जब आप सारे जिम वाले इकट्ठे हो गए तो शादी में जाते हो। तो ये होनी चाहिए भाई जिंदगी, है कि नहीं भाई साहब, इतना खा ले सब हो जाना भाई। दूसरे वाले ना भाई लुक का खाना पड़ रहा है ना भाई साहब, कल क्या करा देंगे भाई हमारे जिम में सच्चाई में है, आपको अगर ज्वाइन करना हो ना तो इस बात का ध्यान रखना, आप कहीं मीठा खाते फंस गए, किसी ने आपकी शिकायत कर दी, कोई भी प्रूफ आपके खिलाफ मिल गया, अगले दिन लेग्स डे है भाई, मीठा मीठा नहीं चटपटा भी खाते, उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ ये मेरे साथ। जब वो 4 सेट लेग्स के मार चुका होगा उसको तब याद आएगा कल क्या किया था। 2000 years later लो भाई गोल्डी भाई को उतार दिया है, अब इसको उतारेंगे। क्या नाम है तेरा अंकुश? आपने बता दिया नाम मेरे को, कह दिया। अरे अंकुश तेरा नाम क्या है भाई? लो भाई हम पहुंच गए अपने घर पे और हमारा हो गया है वेलकम। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ भाई घर पे, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। और भाई मेरा आज जो एक तरीके से डे वन था, कसम खाया मैंने कल की हाँ भाई मैं डाइट वाइट पे फोकस करूँगा, वर्कआउट अच्छे से करूँगा, वो दिन मेरा बहुत बढ़िया रहा भाई और सक्सेसफुली मैंने भाई अच्छी डाइट फॉलो की, अच्छा वर्कआउट किया। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।